नमस्कार मार्केट विलग्नों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं दिनेश और आपको आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, जिस पर अंक पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते, देखा होगा अपने बुक्स में शायद ना मिले, लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम हैं और आए हुए एग्ज़ाम हैं इसके पहले हुए हैं उनमें आप देखेंगे पक्का क्वेश्चन मिलेगा। तो अंक पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल सी एस एस सी सीसैट के पेपर में आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मिले होंगे यूपीएससी में। तो क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बारे में बात करते हैं और आप ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो जैसा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है कि 1 से 100 तक कुल कितने, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखा जाए 1 to 100 तक, तो 1 कितने टाइम्स आएगा, 0 कितने टाइम्स आएगा, 5 कितने टाइम्स आएगा, या पूछा जाए 1 to 1000 तक नंबर्स को लिखा जाए तो कुल कितनी बार 1 आएगा, कुल कितनी बार 5 आएगा, ऐसा प्रश्न आता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम निकाल पाएंगे। देखा होगा एग्जाम में आया हुआ और आपके जो भी किताब होगी, आपके पास बुक्स होगी, उसमें शायद क्वेश्चंस ना मिले इस टाइप के, और 1-2 क्वेश्चन हो भी सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पे कैसे, जब पूछा जाए 0 कितनी बार आएगा तो मैं सीधा सीधा लिखवा दे रहा हूँ, तरीका कैसे होता है निकालने वो तो मैं बाद में वीडियो बताऊंगा। तो 11 टाइम सबसे पहली बात आता है, 0 11 बार आता है, उसके बाद 1 जो आता है 21 बार आता है, 21 टाइम्स आता है, और बाकी सारे अंक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एवरी डिजिट 20 टाइम्स आता है, 20 बार आता है। इसमें इकाई के स्थान पर 10 बार, कितने बार, 10 बार, और दहाई पर 1 बार आता है, ठीक। इसमें 10 बार इकाई पे, 10 बार दहाई पर, 1 बार सैकड़ा पे आता है। इसमें 10 बार इकाई पे और 10 बार दहाई पर आता है, इकाई और दहाई पे। इसमें इकाई पर आता है और दहाई पर आता है, 1, 10 और 100 सैकड़ा पर आता है। तो ये रहा 1 से 100 तक कुल कितनी बार आता है, क्लियर हो गया पहला तो एक क्वेश्चन। लेकिन जब कभी ऐसा नंबर पूछा जाए कि भाई 90 से 100-200 के बीच बता दो, या 90 से 999 के बीच बता दो, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आता तो थोड़ी सी परिस्थिति बदलेगी। वैसे ही आपको बता दो, 3 अंकों की संख्याओं में बात करें कि भाई 999 से लेके और या 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्याओं को लिखने में कुल कितनी बार 1 का प्रयोग होता है, 2 का प्रयोग होगा, है ना। इस तरीके से जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। पहले तो आप ये समझो कि ये कैसे आएगा इकाई के स्थान पर, 0 10 टाइम्स कैसे, 11 टाइम्स कैसे आ रहा है, 2 डिजिट नंबर में कितनी बार आएगा, तो ये निकालेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये याद कर सकते, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं 0 कितनी बार आएगा, इनकी बारे में बात कर लेते हैं। उसके अलावा मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि 100 से 999 तक कितनी बार आएगा, वो भी बता दूं कि एवरी डिजिट जितने भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 डिजिट एवरी डिजिट 90 टाइम्स इकाई के स्थान पर आता है, 90 बार दहाई के स्थान पर आता है और 100 बार सैकड़ा के स्थान पर आता है। तो आपको बता दूं भाई 280 बार प्रत्येक अंक आता है 3 अंकों की संख्याओं को लिखने में। 3 अंकों की संख्या है 3 डिजिट नंबर रिटर्न करने में 280 बार प्रयोग होता है, 90 बार इकाई पर, 90 बार दहाई पर, 100 बार सैकड़ा पर, प्रत्येक अंक होता है 3 अंकों की संख्या 100 से लेके 999 तक लिखने में। ये तो एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन हो गया, तुरंत आया और लगा दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन आए। और अच्छा, जब पूछा जाए भाई कि 100 से लेके 190 तक बताओ कितनी बार 5 आएगा, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लगाएंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, आएगा कैसे, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। या पूछ लिया जाए 280 से लेके 400 तक कुल कितनी बार 1 आएगा या 4 कितनी बार आएगा, तो ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए सबसे पहले इकाई पे निकालेंगे कितनी बार, दहाई पर, सैकड़ा पर, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे सेक्शनल, तो कभी गलती नहीं आएगी कि भाई मिस्टेक क्यों हो रहा है। अब हम लोग जनरली काउंट करते हुए ऐसे काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, और फिर इसलिए इस असंभव वाले आंसर आने लगेंगे आपको। तो इस पर आधारित, अंक पर आधारित, बहुत बेहतरीन अंक पर आधारित 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो एक टाइप्स का एक छोटा सा दिखाया हूँ कि किस प्रकार, पता ये होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले 1 से 100 के बीच हम समझते हैं कि इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कैसे आते हैं, तो उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं बात करते हैं 0 कितनी बार आएगा, तो 10 बार पहले 10 में, फिर 20 में, फिर 30 में, ऐसे 40 में, ऐसे 50, 60, 70, 80, 90 तक। तो आप पूरा काउंट जब करोगे तो 10 बार तो इकाई पर आ ही जाएगा, तो ये 10 टाइम्स आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, जैसा कि 11 बार बोला, और 100 वाले में इकाई तो काउंट कर ही चुके हैं,
है ना, इकाई यहाँ पे काउंट कर चुके हैं है ना टोटल मिला के, और दहाई एक बार यहाँ पे हो जाएगा भाई, दहाई एक बार यहाँ हो जाएगा, तो आप बताओ कुल मिला के 11 टाइम्स हो जाएगा, कुल मिला के 11 बार शून्य का प्रयोग होता है। सबसे पहला तो ये आंसर आपका आ गया जो आपने डायरेक्ट लिखा था, 11 बार शून्य का प्रयोग होता है, एक से लेके 100 तक संख्याओं को लिखने में कुल मिलाकर 11 बार। अच्छा ये बताओ, एक से 100 तक ना होता और दो अंकों की संख्या होती तो दो अंकों में आप समझ जाए दो अंक कम हो जाता, मतलब 9 बार प्रयोग होता है। मैं कहता हूं टू डिजिट नंबर 10 to 99 तक की बात करते हैं तो हमेशा 9 बार शून्य का प्रयोग होता है, 100 वाला 2 शून्य कम हो जाएगा। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं इसको, कोई चीज रटनी नहीं होती, समझदारी पैदा करिए, बाकी कुछ नहीं, धीरे धीरे आई जाएगी है ना, उसमें बताने वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा सचेतन में रहिए। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं 1 कितनी बार आएगा, एक से लेके 100 तक संख्याओं के लिए 1 कहां कहां पे आएगा, सबसे पहले 1 सिंगल इकाई पे पहले दिखाएंगे यूनिट डिजिट पर, वंस पर, फिर 11 पे आएगा, फिर 21 पे आएगा, 31 पे आएगा, 41 पे आएगा, फिर 51 पे आएगा, 61 पे आएगा, 71 पे आएगा, 81 पे आएगा, 91 पे आएगा, कुल मिला के आप देखेंगे 10 बार इकाई के स्थान पर प्रयोग होगा। आप काउंट करके देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यूनिट डिजिट पे इकाई के स्थान पर 10 बार प्रयोग होगा। इसी प्रकार मैं बात करूं दहाई के स्थान पे 10 वाले में देखें, 10 वाले में सेकंड डिजिट पे 1 आएगा, फिर 11 में आएगा, ऐसे 12 में आएगा, ये वाला इकाई काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, दहाई इधर काउंट कर रहे हैं, वैसे 13 में आएगा, ऐसे 19 तक पूरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे 19 तक दहाई के स्थान पर 10 बार प्रयोग होगा, कितनी बार भाई 10 बार प्रयोग होगा, इकाई पे 10 बार, दहाई पे 10 बार, और सैकड़ा की बात करूं सैकड़ा में भी 10 बार प्रयोग होता है, कितना बार 10 बार सैकड़ा में प्रयोग होगा, तो सॉरी एक बार प्रयोग होगा सैकड़ा में, तो इकाई दहाई सैकड़ा मिला करके आपको बता दूं टोटल 21 टाइम्स 1 का प्रयोग होता है। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाल लिया, तो कभी भी आपको इकाई के अंक पर आधारित या कभी ऐसा अंक पर आधारित प्रश्न आए तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पहले इकाई निकालें, दहाई निकालें, सैकड़ा निकालें, पूरा लिखना नहीं होता, एक मल्टीपल दिमाग में चलेगा, वो समझ में आएगा कहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा से कर लेंगे। ठीक, तो इकाई पे 10 बार, दहाई पे 10 बार और सैकड़ा पे 10 एक बार, कुल मिला के 21 बार 1 का प्रयोग होता है, जैसा इसके पहले मैं लिखवा चुका हूँ। क्लियर, आशा है कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आता तो पक्का कमेंट करें, वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता नहीं आता पक्का कमेंट करिए, यदि आप अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, फिर भी जरूर एक बार कमेंट जरूर होता है, जिससे लगे कि हम हाँ कि क्या चीजें और आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार या 9 कितनी बार आएगा, तो मैं 9 चेक करता हूं, 9 कितनी बार, कुल कितनी बार आएगा, तो 9 कहां आता है, पहले 9 सिंगल में आएगा, फिर 19 में आएगा, 29 में, इस तरीके से 99 तक 9 की बात करूंगा, तो इकाई के स्थान पर 90 बार, इकाई के स्थान पर 10 बार टोटल हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा 9। क्लियर, दहाई के स्थान पर 9 कहाँ आएगा, पहले तो 90 से शुरू होगा सेकेंड डिजिट पे, उसके बाद 91 में, 92 में, 93 में, इस तरीके से 99 में आएगा, और कहीं तो 9 ना ही आएगा, 9 और कहीं आएगा नहीं, इकाई यहाँ हो गया, दहाई यहाँ काउंट हो रहा है, तो आप समझो यहाँ पे ये दहाई के स्थान पर हो गया, तो 10 बार यहाँ पे, और कहीं क्या 9 आएगा, 100 वाले में 9 आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए 10 और 10 20 बार ही आपको बता दूं 9 का प्रयोग होता है। इसीलिए मैंने कहा 1 21 बार होता, बाकी सारे अंक 1 को छोड़ करके, 0 1 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक अंक 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने पर 20-20 बार प्रयोग होते हैं, जो आपके सामने लिखे गए हैं। आशा है कि ये 1 से 100 तक कोई भी अंक को आराम से निकालने में सक्षम हो जाएंगे, आराम से निकालने का प्रयास करिएगा। 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में 0 11 बार, 1 21 बार और बाकी सारे अंक कितनी कितनी बार, 20-20 बार प्रयोग होते हैं। एक छोटी सी झलक आपने देखी, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूं किस प्रकार आपको 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 4000 तक, किस प्रकार जल्दी से आप इकाई के अंग मतलब अंक को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है कि फिर मिलते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।